हेलो। हेलो, हाँ भाई एक मिनट में आपको होस्ट बनाऊंगा, शेयर करूंगा। हाँ, तो इसका कोई और आपको सॉल्यूशन निकालें क्या? जूम का या कुछ आप कहते हैं? नहीं, मेरे पे है जुगाड़ उसका ना, कोई एक है बंदा जिसके पास हाँ प्रीमियम है, तो मैं उससे बोल दूंगा। जियो की भी तो आई है ना इसी तरीके का हाँ, जियो मीट कुछ सुनने में आया है। कुछ। हाँ हाँ, उसका सेम, भी कुछ उसने जूम ऑप्शन की कॉपी करी है। एग्जैक्ट। है। हाँ, वो ये है। है तो बट है आप लोगों का जियो का, वो भी उसके थ्रू भी कर सकते हैं। कोई नहीं, अभी मतलब हो जाएगा इसको जुगाड़, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब प्रीमियम है एक अच्छा दोस्त के पास, तो मैं है उसी उसके से, पास। हाँ, ठीक है अच्छा उससे मैं एक बार पूछ लूंगा उससे। ठीक तो बस ये ध्यान रख लो ना इसमें। चलो इसी में वापस आ जाते हैं ना। ये जो 48 49 है, ये दोनों बराबर हैं। बस अब ये देखने की कोशिश करो बराबर कैसे हैं ये दोनों, क्योंकि तो दोनों का आउटपुट उसमें सेम आ वही रहा है ना, है। दो बारी प्रिंट चलाया है, इसमें एक ही बारी प्रिंट चलाया है हाँ और एक ही फंक्शन का दोबारा उसने लूप बना लिया, वही जो आप बता रहे हैं। हाँ नहीं पहले वाले ने यहाँ पर उसने देखो देखो तीन बार देखो हेलो करेगा प्रिंट, देखो देखो देखो, जब पहली उसने बार पहले क्या से, किया, पहले 3 बार हेलो किया उसके बाद फिर 3 बार प्रिंट किया। तो 6 आ गया। हाँ हाँ, नेक्स्ट वाले में उसने क्या किया, पहले 3 बार प्रिंट किया उसके बाद, यहाँ क्योंकि वो तक आ गए। लूप लिखा हुआ है, लेकिन फिर उस पर लिखा हुआ है फॉर आई इन रेंज 2, तो उसने ये वाला फंक्शन 2 बार चलाया, मतलब ये लूप 2 बार ही चलाया, 3 3 बार। इस तरीके से समझ तो सकते ये हो, 2 बार चलाए तो एक हेलो और एक हेलो और, नहीं दो बार क्या चलाया तो उसने, यहां तक आना दो चाहिए, बार उसने मतलब पूरा ये कोड तीन। चलाया। हाँ दो बार आउटपुट उसने, हमने 3 बारी के लिए मांगा हुआ है। नहीं तो एक कोड, पहले आउटपुट में रेंज मतलब रेंज 3 जो लिखा हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग हेलो 3 बार ही आना चाहिए प्रिंट में, ठीक है। पहले में आ गया 3, ठीक और है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको आ दो गए। बार चलाया, हाँ तो क्योंकि हमने इस वाले 3 बारी प्रिंट वाली चीज को 2 बारी चलाया है, तो 2 बारी 3 3 करके, मतलब 3 हेलो पहली बारी 3 हेलो सेकंड टाइम। मतलब ऐसे है ना कि जैसे वो होता है ना, एक जैसे वो मतलब चक्री होती है ना, वो क्या बोलते हैं उसे। या तो हाँ शशांक इसको जैसे चेंज करके देखो, रेंज 3 के बदले में रेंज 5 कर लो और रेंज 2 के बदले में 2 ही रहने दो, यहाँ पे अच्छा नहीं नीचे रेंज 3 में 5 कर दो। अब क्योंकि आप हेलो 5 बार फाइव प्रिंट कर करा रहे दो। हो, तो आपने एक एक जो हाँ लूप चलाया वो है रेंज 5 वाला, जिसमें वो हेलो 5 बार प्रिंट करेगा, ठीक है। और वो ठीक चलेगा है, कितनी दो बार, ये वो 2 बार ही चलेगा। हाँ अपना बार चलेगा। रन देखो करके देखिए, जी, अगर हम इसको उससे कंपेयर करें ना, वो जो मेले में झूला होता है ना, झूला घुमाने वाला होता है, तो अगर मैं उसे 10 रुपए देता हूँ, मान लो कि 10 रुपए एक राइड का 10 रुपए लेता है वो, ठीक है, तो मैंने 10 रुपए दिए तो वो मुझे 10 राउंड घुमाएगा। वो जो घोड़ा नहीं होता है, घोड़े में बैठ के गोल गोल चक्री घुमाता अच्छा है, 10 बार घुमाता है ना वो, है ना। हाँ, तब मैं उतर गया, तब मैंने उसे 10 रुपए और दिए, भाई 10 10 बार और घुमा दे, समझे ना। तो वही काम यहाँ हो तो रहा 20 बार हो गए, है। तो 20 हो गए ना हाँ, चक्कर आपके, तब तब आपके 20 बार चक्कर हो तो गया। 20 हो गए, हाँ ठीक हाँ 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 मतलब उसने 10 10 बार के चक्कर है। अब हाँ 2 बार लगाए हैं, ठीक है। तो रेंज 5 इज बेसिकली वो 10 चक्कर, हाँ और 2 बार ही पे किया तो वो रेंज 2 वाली चीज हो गई। हाँ कि 10 चक्कर कितनी बार लगाने हैं, वो बाहर वाले ने बताया। तो यार इसका मैं अगर गेस करूं कि एक 5 आ गए, ठीक है, हाँ इस नीचे वाले झूप से देखो पांच देखो, मेरे को हेलो आ गए। अगर हम अपनी वो जो चक्कर वाली एनालॉजी से कंपेयर करते हैं ना, तो हाँ जैसे मैंने उसे बोला, चलो मान लो वो दस तीन बार तीन दस दस रुपये मतलब मान लो कि एक बार जब घुमाने पे 3 बार कर रहा है,
ठीक है मान लो ये देखो ये देखो इसको मैं ना वन कर देता हूँ, ठीक है। मैंने एक बार 10 रुपए दिया तो उसने 3 बार घुमाया मुझे, ठीक है। फिर 3 बार जब मैं घूम गया ना, तब मैंने उसे बोला कि नहीं यार, दो बार घुमाना है। तो उसने क्या करा, मुझे 3 बार घुमाया, फिर मैंने उसे 10 रुपए और दिए, उसने 3 बार और घुमाया। मतलब समझ रहे हो ना, लूप देखो, लूप कब चला, पहला लूप कितनी बार चला, मतलब पहली बार उसने मुझे कितने चक्कर कटवाए, 3 बार कटवाए, ठीक है। फिर मैं उसे 10 रुपए दूंगा तो दोबारा मुझे 3 बार घुमाएगा ना वो, है ना। और फिर मैं 10 रुपए दूंगा, फिर दोबारा 3 बार घुमाएगा मुझे, है ना। तो ये जो बाहर वाला लूप है ना, ये बता रहा है कि वो ये जो पूरा लूप है, ये जो पूरा कोड है, ये कितनी बार चलेगा। ये मतलब देखो, इसमें ना दो चीजें आ रही हैं। एक तो ये है कि ये जो फॉर लूप है कितनी बार चलेगा, फॉर लूप कितनी बार चलेगा, नीचे वाला, हाँ 3 बार, 3 बार चलेगा ना। और एक दूसरी चीज बोल रहा हूँ मैं, दूसरी चीज ये बोल रहा हूँ कि ये जो, क्योंकि मेरे को ना वर्ड ही नहीं मिल रहा है इसका। एक तो ये कि ये जो जे वाला फॉर लूप है 3 बार चल रहा है ना। फिर ये जो 3 बार चल रहे हैं जे का, जे कितनी बार चल रहे हैं, मतलब है ना। देखो दो चीजें, एक तो ये कि ये जे वाला लूप कितनी बार चल रहा है, एक ये चीज हो गई, वो 3 बार चल रहा है ना। और दूसरी चीज ये है कि जो ये जो कोड है, ये वाला कोड, ये कितनी बार चल रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसे 3 बार चलाता हूँ तो एक्चुअल में ये हो रहा है, एक्चुअल में ये हो रहा है। इसको मैंने अगर एक बार चलाया, मतलब इस कोड को एक बार चलाया, इस कोड को एक बार चलाया मैंने, तो 3 हेलो प्रिंट हो जाएंगे, है ना। लेकिन मान लो इसी कोड को मैं दोबारा चला रहा हूँ, मैं कोड और लूप में डिफरेंस समझना, ठीक है। इसी कोड को दोबारा चलाया तो 3 बार और करा उसने प्रिंट, है ना। इसी कोड को दोबारा चलाया, 3 बार और करा, है ना। तो लूप तो 3 बार चल रहा है, लेकिन मैं उस कोड को कितनी बार चला रहा हूँ, 3 बार। उस कोड को मैं 3 बार चलाया मैंने उसे, उस कोड को मैंने 4 बार चला दिया मान लो, ठीक है। तो ये कितने हेलो प्रिंट कर देगा, ये 12 कर देगा ना। तो इसी कोड को मैं डबल फॉर लूप से चला सकता हूँ, ये जो ऊपर चलाया था मैंने, एक बार से लिखो, डबल फॉर लूप का इस्तेमाल कर। ये आउटर वाला समझ में नहीं आया ना यार। बस देखो, आपको ये चीज समझ में आ रही है कि ये इतना मैंने कर दिया कि मेरे को 3 बार हो गया, ठीक है। अब यही चलाना है मेरे को, हाँ ये मेरे को 4 बार चलाना है। यहाँ पे क्या लिखो, 4 लिख दो मेरे लिए, तो 4 लिख दो, से 4, हाँ है ना। और इसको इसके अंदर डाल दो, जे को, बस बस अब चलाओ। तो जो ऊपर हुआ इसके ऊपर जो मैंने करा है, सेम वो चीज यहाँ पे हो रही है। बस ये कि इसमें मैंने आई वाला वो लूप डाल दिया। देखो दो कॉन्सेप्ट है, एक तो ये कि लूप कितनी बार चल रहा है, एक है कोड कितनी बार चल रहा है। तो कोड और लूप में डिफरेंस समझ गए ना आप। देखो मैं इसको अगर ऐसा समझ रहा था कि अगर ये 3 बार चला है, ठीक है, नीचे वाला जो है 3 बार चला है, तो जब ये चलेगा ये 4 बार चलेगा, तो जब पहले चलेगा तो उसने 3, तो पहले ही कोड में 3 बार दिखाएगा, क्योंकि पहले ही कोड जब हमारे जे वाले के थ्रू वो 3 दिखाए थे, 3 दिखाएगा, हाँ है ना। तो जब ये वाला एग्जीक्यूट होगा तो इसके पहले रन में उसको 3 हेलो दिखाई दे रहे हैं, तो फिर 3 × 3 हो गए। फिर दूसरे रन जब करा उसने, तब उसको फिर 3 और दिख गए, क्योंकि पहले कोर्स में 3 मिले हो, तो 3, 3, 6 और 3, 9 हो गए। लेकिन एक फिर ऐसे तो और बढ़ जाएगा,
वो चार नहीं देखो उसे उसने क्या किया देखो एक बार जब उसने आउटपुट दिया तो तीन बार हेलो लिखा जो कि सेकंड लाइन की बात है जो हम लिख रखे ना फॉर जे इन रेंज थ्री तो वो हेलो प्रिंट कर रहा है एक बार हेलो प्रिंट करने में वो तीन बार हेलो लिख रहा है ठीक है तीन बार लिख रहा है उसे हाँ लेकिन हमें ये कितनी बारी चलाया यही तीन दिन वाली पेयर वाला कितनी बारी चलाया चार बार ये पेयर चलाया तो तीन 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 ऐसे क्या जाएगा मतलब इसका आप ये भी वो मान सकते हो कि एक लूप का आउटपुट आप कितनी बार दिखाना चाहते हो ओके एक लूप मतलब आप ये कह रहे हो कि एक लूप का मतलब एक हेलो मान के चलूं मैं ऐसे बोल रहा हूं एक लूप आउटर लिंक के लिए जे लूप जब एक बार जब जे लूप एक बार पूरा चल जा रहा है अगर मतलब समझ रहे हो ना जे लूप पूरा खत्म हो जा रहा है तो कितना कितने बार हेलो दिखा रहा है तीन तीन बार है ना और है ना तो एक बारी में तीन हेलो दिखा रहा है तो दो बारी में छह दिखाएगा अगर वो जे वाले लूप को मैं दोबारा चला देता हूँ ये रीड कैसे कर रहा है यार ये चीज समझ नहीं आ रही देखो देखो ये इसने तीन दिखा दिए अरे चलो ठीक है ठीक है अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं इसमें तो कुछ है ही नहीं आप ना उसको वो कर रहे हो देखो अगर मैं ये खोल दूं नोटपैड ठीक है तो देखो मैं आपको एक एक वो बताता हूँ ठीक है एक एक मेरे पास ना एक फंक्शन है एक्स ठीक है वो ना ये प्रिंट करता है मतलब वन टू थ्री प्रिंट करता है वो मेरे पास एक फंक्शन है जो वन टू थ्री प्रिंट करता है ठीक है मैं x को एक बार कॉल करूंगा तो ठीक है ये तो एक काम करते हैं इसको कोड ही बना लेते हैं फंक्शन तो आपको मतलब पता है ना फंक्शन क्या होता है तो देखो def do something बना लेता हूँ ठीक है अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ ठीक है प्रिंट कर रहा हूँ वन टू थ्री सही है अगर मैं इसको एक बार कॉल करूंगा तो एक बार वन टू थ्री प्रिंट होगा सही है अगर मैं दो बार करूंगा तो दो बार होगा दो बार आएगा सही है ना हाँ तीन बार करूंगा तो ये स्पेलिंग गलत हो गई तीन बार दिखाएगा तीन बार दिखाएगा ना तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ देखो वन टू थ्री हो रहा है ना प्रिंट तो इसको मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करके कर सकता हूँ वन टू थ्री हाँ वो स्ट्रिंग के थ्रू भी जो करा था ना ना तो मैं एक वाली स्ट्रिंग इक्वल टू खाली फिर फॉर आई फॉर इन रेंज रेंज थ्री है ना प्रिंट फिर स्ट्रिंग एक मिनट प्रिंट नहीं करूंगा मैं स्ट्रिंग में स्ट्रिंग कराना है ना स्ट्रिंग में मैं क्या ऐड कर दूंगा String or str of x ठीक है और x equal to x plus one ठीक है मैं प्रिंट कर दूंगा और प्रिंट करा दो x तो अब भी आउटपुट मेरा सॉरी एक्स नहीं एस टी आर करूंगा ना प्रिंट क्या बोल रहा है ये फंक्शंस कॉल कर एस टी आर ऑब्जेक्ट इज नॉट एक मिनट वो ना एक्चुअली ना इसका नाम मुझे एस टी आर जी कुछ और रखना पड़ेगा क्योंकि एस टी आर जो है ना वो एक इनबिल्ट फंक्शन है तो इसीलिए एस टी आर बस नीचे भी str सही है ये समझ में आ रहा है आपके हाँ है हाँ हाँ do sum को एक और बार करूंगा एक और बार प्रिंट कर देगा है ना अब मैं 1 2 3 को 10 बार प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं do sum को 10 बार लिखूंगा क्या नहीं यहाँ पे डाल दोगे उसके वैल्यू कैसे
नहीं, वो तो नहीं करूंगा मैं। 10 अगर मैं यहाँ दूंगा तो मेरे को यहाँ पे x कुछ वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा जिसमें ये स्टोर होगा, है ना। ऊपर do sum में x डाल दोगे आप। मैं ये चाहता हूँ कि 1 2 3 मतलब 10 बार प्रिंट हो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 10 लाइन में प्रिंट हो, ठीक है ना। तो एक तो ये है कि मैं do sum को 10 बार लिखूं। एक और लूप चला दो, है? एक और लूप चला दे, बस गेम खत्म हो गया। और एंड रेंज 10 कर दो। ठीक है, डू सम कर दो अब। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ तो सही है। 3 बार डू सम लिखने से बढ़िया मैंने एक और लूप चला दिया जिसमें मैंने 3 वो किया है, है ना। सही है, सही है। इसमें कुछ कंफ्यूजन है क्या? है? नहीं है ना। अब बस ये अपने दिमाग में बैठाओ कि डू सम को मैं हटा देता हूँ, डू सम की जगह मैं जो डू सम के अंदर लिखा हुआ है ना वो सारा मैं यहाँ कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है डू सम को हटा के डू सम के अंदर जो भी हो रहा है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो समझ रहे हो ना कि वही चीज बार बार होगी, है ना। तो मतलब इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, है ना। देखो देखो, ये बाहर का फॉर लूप है और डूसम के अंदर एक और लूप चल रहा है, समझ रहे हो ना। अगर मैंने यहाँ पे लूप 4 दे दिया तो 4 बार करेगा प्रिंट, 4 बार करेगा। एक ये वाला लूप हो गया, है ना। एक ये वाला लूप है डूसम वाला, ठीक है ना। इसकी रेंज को मैं बदल देता हूँ, मान लो मैं 4 बार प्रिंट करना चाहता हूँ, 1 2 3 4, तो मैं 4 बार आएगा, 4 बार आएगा। तो आप समझ रहे हो ना, ज्यादा आ गया। अच्छा, डू सम ज्यादा कर दिया, सम मैंने ज्यादा बार चलाया ना, ठीक है ना। एक मैंने इसको बदला, है ना, ये वाला रेंज बदल रहा हूँ एक। तो मैं इस रेंज से क्या बदल रहा है, इस रेंज से इस क्या रेंज से जो ये 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 कितनी बार चल रहा है। हाँ, इससे ये बदल रहा है, 1 2 3 4 कितनी बार चल रहा है। मान लो मैं इसे 6 तक ले जाना चाहता हूँ तो 6 बार चलेगा, ठीक है। और इससे क्या कंट्रोल हो रहा है, इस पूरे लूप को कितने बार चलाना है। हाँ, ठीक है, समझ रहे हो ना कि यहाँ पे आई और जे क्या कर रहा था, यहाँ पे आई और जे क्या कर रहा था, है ना। ये जो है ऊपर वाला, ये कौन सा वाला है, अगर हम इसको फंक्शन की एनालॉजी से वो करें कंपेयर, तो ये डू सम वाला लूप है या ये आई वाला लूप है, नीचे वाला 77। हाँ हाँ हाँ, और जो अंदर वाला है 74 वाला होगा, जे इन रेंज। हाँ, तो अब आ रहा है आपके सामने क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है, हाँ। ना ये पूरा कोड कितनी बार चल रहा है, पूरा कोड एक है, पूरा कोड एक है, पूरा लूप कितनी बार चल रहा है ना। लूप तो 3 बार चल रहा है लेकिन जो कोड है वो कितनी बार चल रहा है, वो बाहर वाला लूप कंट्रोल कर रहा है वो, है ना। ठीक है, ठीक है। तो मतलब यही है, और बाकी मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ, इसको करते हैं। देखो, जैसे मान लो मेरे पास ना कोई आउटपुट है रखा हुआ, मैं आपको ना एक फाइल को कैसे रीड करते हैं वो बता देता हूँ बस। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ बस। ये सब तो अभी आप बेसिक्स बता रहे हो, राइट? हाँ हाँ हाँ, मतलब बेसिक्स, ये बेसिक ही अगर आपने समझ लिया तो वो स्क्रिप्टिंग वाला काम तो हो ही जाएगा, ऐसी कुछ है ही नहीं करना उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ना बेसिक्स, फाइल कॉपी नहीं होती क्या, ट्रांसफर नहीं कर रहा होगा ना।
चलो कोई नहीं, ठीक है। तो मैं ना आपको एक बार फाइल को रीड करना बता देता हूँ। तो आपने जहाँ पे ये फोल्डर बनाया है ना, व्हाट्सएप पे भेजो, व्हाट्सएप है ना मेरा, इधर भेजो फाइल को व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे भेजो, ठीक है व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। डॉक्यूमेंट में ले लेता है टेक्स्ट फाइल? हाँ ले लेता है। ठीक है मैंने भेज दिया है। आ गया ना अमन मेरा। ठीक है तो अब इसको ना उस फोल्डर में सेव कर लो। उसको कहाँ डाल दो? उस फोल्डर में डाल दो जहाँ पे आप ये कोड चला रहे हो अपना पाइथन वाला। मतलब ये जो जुपिटर नोटबुक डेस्कटॉप में जो रखा, जुपिटर नोटबुक किस फोल्डर में चला रहे हो? ये जुपिटर नोटबुक जो है ये डेस्कटॉप पाइथन टेस्ट, यहाँ की बात कर रहे हो आप? हाँ उसके अंदर डाल दो इसे। पाइथन टेस्ट के अंदर ये सारे लिखे हुए हैं। हाँ यहीं पे पेस्ट मार दो उस टेक्स्ट फाइल को। कर दी। तो आपको क्या करना है कि जैसे आपको ना रीड करनी है फाइल, तो आप कैसे करोगे? देखो बहुत इजी है फाइल को रीड करना। देखो फाइल इक्वल टू ये आ नहीं रहा है। अच्छा आ रहा है, टाइप नहीं हो रही। हाँ देखो फाइल इक्वल टू मैं लिखता हूँ ओपन, ठीक है ओपन, और जो मेरी फाइल का नाम है, फाइल का नाम क्या है? ठीक है एक मिनट एक मिनट, ठीक है इसका नाम कॉपी कर लिया ना मैंने। ठीक है .txt भी है। अच्छा टाइप बताना है, .txt और ये स्पेसिफाई करेगा दूसरा वाला आर्ग्यूमेंट कि मैं इसे किस मोड में वो करना चाहता हूँ। इसको मैं रीड मोड में रीड करना चाहता हूँ तो R लिख दूंगा मैं, है ना? और राइट तो W। हाँ राइट होगा तो W होगा। हाँ क्योंकि अभी मैं बस रीड करना बता रहा हूँ। आप फाइल में ना लिख भी सकते हो कुछ, लेकिन अभी मैं रीड बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ये लिखता हूँ फाइल डॉट रीड लाइन्स, अगर ये फंक्शन मैं यूज करता हूँ तो क्या होगा? जितने भी लाइन्स है ना इसमें फाइल के अंदर, तो इस फाइल को एक बार खोलते हैं, इस फाइल को खोलते हैं, ये पाइथन टेस्ट ना, तो इसके इसको नोड प्लस प्लस टू पे प्लस पे कर दो, प्लस पे। कोई नहीं इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसमें देखो पहली लाइन में क्या है, आईपी डली हुई है, दूसरी लाइन खाली है ना? तो अगर मैं यही आउटपुट अपने पाइथन में चाहता हूँ तो देखो मैं कैसे करूंगा, ठीक है ना? अब देखो इसने क्या करा, जो इसकी सारी रीड लाइंस फंक्शन ने क्या किया, इसकी जितनी भी लाइंस है ना वो इस रीड कर ली। हाँ वो उसको उसने ना एरे में कन्वर्ट कर दिया एक, ठीक है। तो स्प्लिट नहीं मारा वो, उसने खुद ही मार लिया स्प्लिट, जो करना था ना रीड लाइंस का मतलब ही यही है कि स्प्लिट, समझ रहा ना, खुद ही कर रहा है सब। तो ये ऊपर फाइल का डेटा टाइप क्या है और नीचे लाइंस का डेटा टाइप क्या है? एक बार ना ये इसका मुझे टाइप का थोड़ा था पता ज्यादा है नहीं, वो देख लेते हैं। टाइप अगर हम देखें फाइल मार दिया, आई थिंक टाइप होगा ना, एस लगा दिया आपने, एस लगा दिया भाई। हाँ अब आएगा ओके, ये आईओ रैपर ही है, ये कुछ और ही है फिर, ये इतना मत जाओ। वो एक्चुअली ना एक क्लास है, वो एक क्लास है जो फाइल को हैंडल करती है आईओ रैपर नाम से ना, तो वो आप रहने दो। क्या है आप बस ये देखो कि रीड लाइन फंक्शन ना मेरे को एक एक लाइन एक्सट्रैक्ट करके दे देगा और इन द फॉर्म ऑफ एरे दे देगा, ठीक है। तो अगर मैं ये लाइन हमारे एरे में बन जाएगा। हाँ तो अब मैं इसको इटरेट करूंगा इस तरीके से, फॉर आई इन लाइंस लाइंस आई आई, ठीक है। तो अगर मैं इसको करूंगा प्रिंट, तो देखो मेरे पे सारा आउटपुट आ गया। हाँ हाँ हाँ, और अगर मैं इसको सिर्फ लाइंस को प्रिंट कराऊं तो क्या आएगा लाइंस में? ये FC 1/2 से आ जाएगी लाइंस, ठीक है देखते हैं।
क्या आया इसमें देखो, पहले सारी लाइंस आईपी से लेके, हाँ देखो ना, पहले आईपी थी, फिर एक न्यू लाइन आया है ना, फिर एक न्यू लाइन करेक्टर आया था, फिर ये अगली लाइन आ गई C1/2 की, फिर FC1/3 की आ गई, ठीक है ना। तो हर एक लाइन को उसने एक एरे में डाल दिया, हर एक लाइन को, सिंपल ये हुआ है ना, ठीक है। अब ठीक है, अब जैसे आपको इसमें ये 21.219 वो वाली लाइन निकालनी है जिसमें ये आईपी आ रही है, मतलब अगर हम आईपी को हटा दें, मान लो कि मेरे को ना ये WN नंबर सर्च करना है, जैसे मेरे को यूजर ने दिया कि भैया ये WN नंबर सर्च करना है, ठीक है, तो ये वाला तो आउटपुट तो एफ लॉगी का है ना, एफ लॉगी वाला है ना, EFC alias का है, F-Log ही आउटपुट है ना ये, तो मान लो कि तो मान लो कि यूजर ने मेरे को बोला भाई मेरा ये WN है, ठीक है, तो मैं उस WN का वो निकालना चाहता हूँ, वाली लाइन निकालना चाहता हूँ जिसमें वो WN आ रहा है, जैसे grep माइनस आई ये WN डालते हैं ना F-Log ही में, निकल जाएगा। हाँ तो वो निकाल दो, ठीक है भाई। ये जो है ये लाइन प्रिंट करेगा ना, ठीक है, एग्जीक्यूट करो। ओ ऊपर वाले को चला, आ गया ऊपर वाले को चला, अभी भी गड़बड़ आ रहा। एक मिनट ये वाली लाइन को ना कमेंट आउट कर दो, एक मिनट इसको ना कमेंट कर दो, ठीक है, अब करो। नहीं इसको एक मिनट ऊपर वाले को चलाओ, ये डब्लू एक मिनट ये डब्लू एन को आपने इसमें क्यों कर दिया, स्ट्रिंग में क्यों कर दिया, वो तो वेरिएबल है ना डब्लू एन। ओ सॉरी, आ गया, अच्छा सही है, सही है ना, ग्रेप वाला आ गया मेरे पास। अब मुझे इस उसमें अगर कुछ और डिटेल्स भी निकालनी है, मान लो मुझे नोड नेम निकालना है, तो वो भी आप कर लोगे ना, इस लाइन को मुझे स्प्लिट मारना पड़ेगा, ठीक है, एक बार बना के देखो, इसका नोड नेम निकालना है मुझे। अब जिस लाइन में मुझे वो WN मिला है ना, उसका मुझे ये मान लो कि ये जो क्या बोलते हैं डोमेन आईडी FCID बोलते हैं ना, FCID निकालना है, FCID निकालते हैं। हाँ हाँ FCID निकाल दो, वो FCID के नाम से ही। डिफाइन करेंगे ना अभी तो एम्प्टी इसमें। अब क्या है मेरा जो लाइन आया है उसको स्प्लिट मारना है। क्या
इंडेक्सिंग का बताया था ना आपने, माइनस टू माइनस थ्री सॉरी गड़बड़ हो गया यार, देखना यार ठीक है चलाओ 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 तो सही तो निकाल तो गया सही तो निकाल रहा हूँ ना तो मतलब ये आपने देख लिया ना कि कैसे आपको अब आप क्या करोगे ना फ्लॉगी का आउटपुट उसमें स्टोर कर लोगे एक टेक्स्ट फाइल में है ना और उस WN नंबर को आप सर्च कर लोगे और फिर उसका FCID निकाल लोगे तो ऐसे आप ठीक है अगर आपके पास मल्टीपल WN नंबर है वो भी आप सर्च कर लोगे है ना अच्छा तो अगर मैं मल्टीपल WNs का एग्जांपल लूं तो वो क्या हो सकता है इसको मैं एक अगर उसमें डाल देता हूँ एरे में हाँ इसको मुझे एक एरे में डालना पड़ेगा फिर है ना ठीक है अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों WNs का जो FCID है वो निकाल लूँ मैं अमित है चला गया है वो कनेक्टेड तो अमित मेरे को लगा तू चला गया क्या है हाँ सही है अब ये देखो अगर आपको ये दो WN सर्च करने हैं तब कैसे करोगे इंडेक्स बनाएंगे एरे का ऊपर सर्च करेंगे करो क्या सर्च हाँ करो देखो 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 एक मिनट भैया मैं ना आपको मतलब एक वो बताता हूँ कि देखो FCID को ये करने की ज़रूरत नहीं थी है ना क्योंकि हमने FCID में कुछ ऐड तो किया नहीं है कॉन्कैटिनेट किया नहीं है FCID तो क्या है लिस्ट है ना तो इसीलिए अब मैं क्या करूँगा मुझे हर एक WN को देखो फॉर WWN इन WWNs ठीक है अगर मैं ये चलाऊंगा तो क्या आ जाएगा मेरा अगर मैं प्रिंट करता हूँ WN इससे क्या आउटपुट आएगा दोनों W नंबर दिखा देगा हाँ दोनों WN दिखा देगा ना तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि एक WN उठाऊंगा उसको मैं इसमें सर्च करना चाहता हूँ लाइंस एरे में है ना तो मैं ये चला दूंगा ना? ये कोड मैं यहाँ कॉपी मार लूंगा सही है ये कोड चल जाएगा आपके हिसाब से ये कोड आ रहा है आपको समझ में कि हो क्या रहा है इसमें अगर मैं इसे चलाऊंगा तो ऊपर जा रहा है यार अब ये चीज है ये ऊपर जा रहा है अच्छा ये ऊपर नहीं जा रहा ये बिल्कुल आपको समझ में आएगा WNs is not defined, तो मैं इसको एक बार डिफाइन कर देता हूँ ठीक है तो ये दोनों का उसने निकाल के दे दिया अरे यार ये मेरा दिमाग खराब कर रहा है इसको मैं हटाता हूँ यार ठीक है तो देखो अब इसने क्या किया है ना कि
जो पहला डब्ल्यू एन नंबर है उसको डब्ल्यू एन में स्टोर किया, ठीक है, फिर ये क्या, ये कौन सा कोड था, ये कोड था डब्ल्यू एन नंबर को सर्च करने का, लाइन निकालना, हाँ लाइन निकाल के उस डब्ल्यू एन नंबर को सर्च करना है ना, तो पहले डब्ल्यू डब्ल्यू एन की वैल्यू ये जो पहला डब्ल्यू एन नंबर होगा वो होगी, ठीक है ठीक है। और जब ये बाहर वाला लूप दूसरी बार चलेगा तो डब्ल्यू एन की वैल्यू ये जो दूसरा डब्ल्यू एन नंबर होगा ये होगी, सही है, क्योंकि आपने उस टाइम पे आंसर मुझे बताया था ना कि जब मैं प्रिंट डब्ल्यू एन नंबर लिखूंगा तो क्या आएगा, है ना, प्रिंट डब्ल्यू नंबर कहते हैं दोनों डब्ल्यू नंबर दिखा, हाँ दोनों दिखाएगा ना, तो इसका मतलब पहले डब्ल्यू एन नंबर में पहला डब्ल्यू, मतलब जब पहली बार चल रहा होगा तो पहले डब्ल्यू एन नंबर में ये वाला पहला वाला आ गया होगा, है ना, ये तो एक नेस्टेड लूप है ना, तो पहले अंदर वाला चलेगा, नहीं 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 पहले बाहर वाला, पहले बाहर वाला चलेगा फिर अंदर वाला फिर बाहर वाला फिर दोबारा अंदर वाला, इस तरीके से, ये वो नहीं जो हमने अभी ऊपर जो पढ़ा, ये वही वही है नेस्टेड लूप हो गया ना, हाँ कि ये अंदर वाला लूप कितनी बार चलना है, दो बार चलेगा ना, क्योंकि दो डब्ल्यू एन है, दो बार सर्च मारूंगा मैं, मतलब एक ही फाइल में मैं दो बार सर्चिंग मार रहा हूँ, मतलब इसका मतलब देखो ये है, देखो मैं आपको ना ये करके दिखा देता हूँ, बस टाइम खत्म होने वाला है, मैं आपको बस अब दिखा देता हूँ, देखो देखो मैं ना अब कोडिंग वाला काम ना मैनुअली कर रहा हूँ, देखो वो कहाँ गया, क्या वो कहाँ है, ये आउटपुट, ठीक है ये आउटपुट, ठीक है मैंने डब्ल्यू एन नंबर कॉपी मार लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर मैं क्या करूंगा कंट्रोल एफ मारूंगा है ना, एंटर दबाऊंगा तो देखो मेरे को उसने वो लाइन बता दी है ना, और मैं फिर क्या कर रहा हूँ, इसको उठा रहा हूँ, इसको उठा के मैं एक उसमें मैंने वो कर दिया, पेस्ट मार दिया एक अपनी फाइल में, ठीक है कॉपी नहीं करता, ठीक है कर लिया इसमें है ना। अब मैं क्या करूंगा, पहला डब्ल्यू एन तो देख लिया मैंने, मिल गया, अब मैं दूसरा उठाऊंगा, दूसरा मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, ठीक है अब मैं यहाँ जाऊंगा, पर इसके आउटपुट से ये थोड़े ना मतलब था, नेस्टेड में तो ये था कि जो नीचे वाला जितने बार चला है उतने ही वो, अरे वो भूल जाओ, देखो अब मैं दूसरे वाले को सर्च करूंगा, मिल ही नहीं रहा, मिल नहीं रहा है, कॉलन लग गया उसमें स्टार्टिंग में 5 से पहले, ये मिल गया, ठीक है तो वो इस लाइन को लेगा, फिर इस लाइन को अब वो सर्च कर देगा, ठीक है कॉपी पेस्ट मार देगा, है ना। तो एक्चुअली में उसने क्या किया कि जब उसने पहला डब्ल्यू एन उठाया था ना, तब उसने ये पूरी फाइल को सर्च किया था, पूरी फाइल को सर्च किया और जहां भी उसे डब्ल्यू एन नंबर उसके बराबर मिल गया वो वाली लाइन उठा के दी उसने पहला काम। तो ये अंदर वाला लूप पहली बार अब चला है, ठीक है, जब मैंने पहला डब्ल्यू एन नंबर सर्च किया है, ठीक है, जब उसमें दूसरा डब्ल्यू एन नंबर आया तब दोबारा उसने पूरा इस फाइल में सर्च किया है, तो उसको पूरा इसमें सर्च करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, एक लूप चलाना पड़ रहा है ना। तो पहला डब्ल्यू एन नंबर उठाया उसको पूरा सर्च करने के लिए एक लूप चलाना पड़ रहा है, जे वाला, आई बाहर का है, जे इनर लूप है, है ना, तो आई जो लूप एक मिनट में आया, एक मिनट आया, अच्छा